नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। यूपी के जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण में वांछित वारंटी की गिरफ्तारी और अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज रात में लगभग 12 बजे थाना हथगांव जनपद फतेहपुर के गौरा जंगल में पुलिस मुठभेड़ में रिजवान पुत्र जमील निवासी पट्टी शाह थाना हथगांव अपने भाई फयाज के साथ गाय काटने की तैयारी में था। रिजवान थाना हथगांव का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। पुलिस को सूचना मिली तो जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया। रिजवान ने अपने बचाव में पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में रिजवान के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु पीएचसी हथगांव भेजा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर फैयाज कहीं भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। रिजवान के विरुद्ध गोकशी के कुल 29 मुकदमे पंजीकृत हैं। यह शातिर गोकश हैं, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। थाना हथगांव जनपद फतेहपुर के दौरा जंगल में आज गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबिर के द्वारा थानाध्यक्ष हथगांव पुलिस बल के जंगल की घेराबंदी किए और यहाँ पर गाय बदी थी और उसको काटने की तैयारी में थे। रिजवान का नाम जमील पट्टी शाह के रहने वाला है, जिसके पर क्या कुल 29 मुकदमे हैं। वो मुखबिर में घायल हुआ है, गाय बदी दिया गया है। उसको घायल अवस्था में पीएससी हथगांव भेजा गया है और उसका एक भाई है जो भी पूर्व में गोकशी की घटना में शामिल रहा है, उसका नाम फयाज है। उसकी कामबीन चल रही है, पुलिस बल उसकी तलाश कर रही है। मौके से फरार हो गया है और पुलिस के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। अब इससे निश्चित रूप से थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना पर पुलिस